पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस स्पीच। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ड्यूक ऑरसिनो ही इज फंड ऑफ सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। एज द प्ले स्टार्ट्स we come to know that it is the court of Duke. Duke is sitting with his musicians. Some other lords are also sitting in the court of Duke, and he expresses his desire to listen music. He says that if music is the food of love, then he orders his musicians to play on. He wants to achieve so much music that his desire for music may be completely satisfied. He says that what is music? Music, it is the soul of love. And then he compares love with ocean. He compares music with ocean. बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। कोई प्रॉब्लम आए, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क मी, ओके। देखिए एक्ट फर्स्ट है, सीन फर्स्ट है, और द ड्यूक्स पैलेस, ड्यूक का महल है। एंटर ड्यूक, और ड्यूक, ड्यूक का प्रवेश होता है। क्यूरियो आते हैं एंड अदर लॉर्ड्स, और जो अन्य लॉर्ड्स हैं उनका प्रवेश होता है, और म्यूजिशियंस अटेंडिंग, और उनके साथ में म्यूजिशियंस हैं जो उनको अटेंड करते हैं। ड्यूक कहता है इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, अगर संगीत प्रेम का भोजन है, प्ले ऑन, तो इसे जारी रखो। यानी इफ म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, कंटिन्यू टू प्ले ऑन इट, तो इसको बजाना आप लोग जारी रखें। गिव मी एक्सेस ऑफ इट, मुझे इतना ज्यादा संगीत दो, दैट सर्फेटिंग, सर्फेटिंग का मतलब होता ना सेटिस्फाइड या फेड टू एक्सेस, जरूरत से ज्यादा संतुष्ट हो जाना। वैसे तो सरफेट क्या होता ना, जैसे आपको भूख लगे, सपोज इफ यू फील हंगर, तो आप एक खाना खाते हैं, तो खाना जब आप खाते हैं तो खाना जो है वो एक लिमिट तक आकर के आप रुक जाते हैं। इतना खाना, इतना छक्के खाना कि अंदर से उल्टी की इच्छा होने लगे कि अब उल्टी होगी, नाउ यू फील टू वॉमिट, तो वो क्या कहलाता है, सर्फेटिंग। तो सर्फेटिंग का मतलब है सेटिस्फाई टू एक्सेस, अत्यधिक मात्रा में संतुष्ट होना, ठीक है। तो इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, अगर संगीत प्रेम का भोजन है, प्ले ऑन, तो इसे बजना जारी रखो। गिव मी एक्सेस ऑफ इट, मुझे अत्यधिक मात्रा में संगीत दो, दैट सर्फेटिंग, कि मैं जो हूँ संगीत के प्रति अत्यधिक संतुष्ट हूँ, मतलब एक्सेस सेटिस्फैक्शन मुझे प्राप्त हो। द एपेटाइट माने भूख, और संगीत के प्रति मेरी जो भूख है, मैं सिकिन, वो बीमार पड़ जाए, एंड सो डाई, और खत्म हो जाए, इतना संगीत मुझे। क्लियर हो? ड्यूक क्या कहना चाहता,
देखिए यहाँ पे फिलॉसफी भी है कि इफ अ पर्सन इज गिवन एनीथिंग इन एक्सेस द पर्सन क्रिएट्स ए टाइप ऑफ डिसलाइक टू दैट थिंग. सपोज इफ ए पर्सन लाइक्स टू ईट स्वीट्स इन द मॉर्निंग इफ यू से और इफ यू डिमांड फॉर ब्रेकफास्ट ओनली स्वीट इज सर्व टू यू. इन द नून इफ यू डिमांड फॉर लंच ओनली स्वीट इज सर्व टू यू. इन द इवनिंग व्हेन इट इज टी टाइम यू आस्क फॉर टी एंड ओनली स्वीट इज सर्व टू यू. एट नाइट स्वीट इज सर्व टू यू. व्हाट विल हैपन विद इन फ्यू डेज व्हेन यू सी द स्वीट यू विल स्टार्ट वॉमिटिंग. ओके दैट इज कॉल्ड सर्फेटिंग. दैट इज कॉल्ड टू सिकन द डिजायर. दैट इज कॉल्ड द ओवर फीडिंग. ओके समझ में आ रहा. तो द एपेटाइट में सिकन मेरी जो भूख है वो बीमार पड़ जाए एंड सो डाई और खत्म हो जाए. फिर कहता है दैट स्टेन अगेन वो गीत वो संगीत फिर से बजाओ. इट हैड ए डाइंग फॉल. इस संगीत हल्का होते होते मेरे पास आया. इस संगीत को आप फिर से बजाओ. क्यों ये संगीत कैसे मेरे पास आया? हल्के हल्के डाइंग फॉल खत्म होते. ओ इट केम ओवर माई ईयर. ये संगीत मेरे कानों तक आया. कैसे? लाइक द स्वीट साउंड एक मधुर आवाज के समान आया. ये आवाज कब क्रिएट होती है? दैट ब्रीथ्स जब हवा चलती है अपॉन ए बैंक ऑफ वायलेट. वायलेट इट इज ए टाइप ऑफ फ्लावर. वायलेट जो फूल होते हैं उनकी जो क्यारियां हैं उन क्यारियों के ऊपर से जब हवा चलती है तो उससे जो संगीत पैदा होता है तो ये संगीत वैसे ही धीरे धीरे मेरे कानों तक आया. स्टीलिंग एंड गिविंग ऑर्डर. हवा क्या करती है? व्हेन द विंड ब्लोस ओवर द फ्लावर्स विंड स्टील्स द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स एंड इट स्प्रीड्स दिस फ्रेग्रेंस इन द एटमॉस्फेयर. तो हाउ दैट फ्रेग्रेंस रीचेस अप टू द एयर्स ऑफ द पीपल वेरी स्लोली. फूलों की क्यारी के ऊपर से जब हवा चलती है तो हवा क्या करती है? फूलों की खुशबू को चुरा लेती और उस खुशबू को चुराने के बाद हर तरफ बिखेर देती. वो खुशबू धीरे धीरे कान तक आती. ठीक ऐसे ही संगीत है मेरा. ये संगीत ठीक ऐसे मेरे कानों तक पहुंचा. इज दैट क्लियर? अब ड्यूक हैज लिसेंड द म्यूजिक फॉर सम टाइम. ड्यूक ने कुछ समय तक संगीत सुन लिया है तो अब क्या कहता है? इनफ बहुत हो गया संगीत. नो मोर अब मुझे संगीत नहीं चाहिए. अब देखिए ये क्या शो कर रहा है. दिस शोज द चेंजिंग नेचर ऑफ ड्यूक. इट इज द नेचर ऑफ ड्यूक दैट ही कैन नॉट लाइक वन थिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम. एंड आई थिंक इट इज नॉट ओनली द नेचर ऑफ ड्यूक but it is the nature of every person. You cannot like anything forever. You cannot love a person or a thing throughout your whole life and similarly you cannot hate a person throughout your whole life. So this shows the changing nature of Duke because a little while ago that music which appeared very sweet to Duke now Duke does not like that music because he has heard it a lot. Okay. Enough, no more. अब मुझे और संगीत मत दो. Stop, don't play any more music.
अब और संगीत मुझे मत दो। इट्स नॉट सो स्वीट नाउ एज इट वॉज बिफोर। ये संगीत अब उतना मधुर नहीं है जितना कि कुछ समय पहले था। कुछ समय पहले ये बहुत अच्छा था, बहुत मीठा था, अब उतना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग आ रही है, इसको ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा चेंज इन्होंने किया है। संगीत को क्या बताया है? स्पिरिट ऑफ लव, प्रेम की आत्मा कहा है। ध्यान से सुनो, यहाँ से भी बहुत इम्पोर्टेंट। ओ स्पिरिट ऑफ लव, हे प्रेम की आत्मा संगीत, हाउ क्विक एंड फ्रेश आर्ट दाउ। तुम कितनी तेज और कितनी फ्रेश हो, ताजी। संगीत बहुत क्विक है क्योंकि वी फाइंड वेरिएशंस इन म्यूजिक, म्यूजिक में वेरिएशंस हैं और फ्रेश भी बहुत है। दैट नॉट विद स्टैंडिंग thy कैपेसिटी, इसके अतिरिक्त तुम्हारी जो कैपेसिटी है, तुम्हारी जो क्षमता है, रिसीव्स एज द सी, वो कितनी है? जितनी सागर की क्षमता होती उतनी ही क्षमता संगीत में है। नॉट एंटर्स देयर, नथिंग कैन बी फाउंड आउट ऑफ द थिंग दैट एंटर्स देयर। जो सागर में प्रवेश कर जाता है फिर वो नजर नहीं आता कहाँ गया, मिलता ही नहीं। ऐसे ही जो संगीत में खो जाता है, दैट पर्सन फॉरगेट्स एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाता। ओ व्हाट वैलिडिटी एंड पिच सो एवर, इसकी वैलिडिटी, इसकी वैल्यू बहुत है। पिच, इसकी जो हाइट है वो भी बहुत है। बट फॉल्स इन टू अवेटमेंट एंड लो प्राइस। जो भी चीज चाहे वो कितनी भी वैल्यूएबल क्यों ना हो, जो सागर में गिरती है उसका प्राइस कम हो जाता है, अवेट हो जाता। ऐसे सिमिलरली इफ ए पर्सन हु फॉल्स इन म्यूजिक, दैट पर्सन ऑल्सो लूजेज हिज और हर आइडेंटिटी एंड दैट पर्सन इज कंप्लीटली इनग्रोस्ड विद म्यूजिक। इज दैट क्लियर? इवन इन मिनट, हर क्षण, सो फुल ऑफ शेप्स इज फैंसी। संगीत कल्पना से भरा है, अलग अलग शेप है। कभी कुछ संगीत आता है, कभी कुछ संगीत, कभी कुछ म्यूजिक, कभी कुछ म्यूजिक। दैट इट अलोन इज हाई फैंटास्टिकल, ये संगीत ही है जो हाई फैंटास्टिकल, मतलब फुल ऑफ इमेजिनेशन। ये संगीत ही है जो कल्पनाओं से भरा। तो इन दिस वे ड्यूक ही एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू लिसन म्यूजिक, एंड दिस स्पीच शोज द चेंजिंग नेचर ऑफ। ठीक, इसको रीडिंग लगाओ जो प्रॉब्लम है।